को प्ले बताओ, वेलकम बैक टू द गेम प्ले। तो गाइस ये वही वाली वीडियो है, यानी कि फास्ट लेन की प्रेडिक्शन वीडियो चल रही है, उसका ये पार्ट टू है। क्योंकि मैंने ये कोडी रोड्स वाला मैच खेल रहा था, जिसमें कोडी रोड्स, जेओसोस और क्या नाम है अपना, केओ एंड सैमी थे, वर्सेस थे अपना जजमेंट डे प्लस जेडी मैकडूना। तो यार वो मैच मैं खेल ही रहा था, एक दफ़ा तो मैंने सिमुलेट रिजल्ट कर दिया कि ग्लिचेज हो रहे थे, तो वो ऐसे हो गया था। लेकिन मैंने दोबारा से रीस्टार्ट किया था मैच कि अपने को खुद विनर निकालना है, तो मैं वो कर रहा था। लेकिन वीडियो बीच में बंद हो गई बिकॉज ऑफ सम इशूज, तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बस दो मैचेस हैं अभी करने वाले, तो वो करते हैं। वेयर इज आर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट? इट इज गोइंग टू बी सैमी ज़ेन एंड हियर ही इज। भाई लोग जब तक मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो फर्स्ट मैच, तो गाइस फर्स्ट मैच स्टार्ट हो चुका है। और मैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज 12 रिव्यू लवल है। तो मैं आप सभी को जश्न ईद मिलादुलनबी मुबारक कहना चाहता हूँ, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और अपनी चीज़ें शेयर करो, आप कैसे ये ईद मना रहे हो शेयर करो भाई मेरे साथ। और अभी शायद ये वो वीडियो आ चुकी होगी या आने वाली होगी, मैं कोशिश तो करूँगा पहले ही बना के डाल दूँ, अगर नहीं डाली हुई तो फिर इसके बाद आएगी। क्या नाम है अपना वो जो नया मॉड आया है स्पीकर भाई का, जिसके ये तो पुराना वाला है, आप लोगों ने देखा होगा, इसका पहले भी मैं गेम प्ले बना चुका हूँ। ये पुराना वाला है, जो नया मॉड इस दफ़ा आया था उसके अंदर फास्ट लेन का अरीना नहीं था, इस वजह से मैं नहीं बना पाया उसमें ये वीडियो जो बनानी थी मैंने। लेकिन मैं उसका ऐसे रिव्यू किया है मैंने, मतलब वीडियो मैं बनाऊँगा उसके, मतलब ऑलमोस्ट बन ही गई है, बस मैं पोस्ट करना रह गया है। शायद पहले उसको पोस्ट करूँ, शायद पहले इसको पोस्ट करूँ, अभी कुछ इतना मुझे। ओ भाई डबल सुपर किक चलाई हम दोनों ने, लेकिन उसकी कनेक्ट हो गई। अभी ये लाटिनो हीट डोमिनिक मिस्टेरियो ने मेरे ऊपर कूद जाया यार। ये मैच एंड करेंगे बस, फिर एक और मैच है, देन फिनिश टाटा भाई। सी यू हो जाएगा। आ गया मैं रिसीवर, क्या मैं जजमेंट डे भाई मैं क्यों पे कूद रहा हूँ, मैं किसी और बंदे पे नहीं कूद रहा, मैं अपने ही पार्टनर पे गंदे तरीके से कूद कूद के मार रहा हूँ। इज माय टैग ब्रो, इज माय टैग टीम ब्रो, व्हाट द हेल ब्रो। रुको लेट्स कंटिन्यू भाई लोग, मेन इवेंट जो सोच दूसरों पे टारगेट करना नहीं है, जो सोच टारगेट करना है तो सिर्फ इस लौंडे पे। और इस लौंडे की बात आ ही रही है, तो सैमी को टैग दे देते हैं, क्योंकि सैमी का इस लौंडे के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला सीन है। तो अपन सैमी अपने हलुलु किक वाले सैमी जेन को अपने दिल की भड़ास निकालने देते हैं इस लौंडे के ऊपर। और फास्ट लेन का एक टेबल पड़ा हुआ है, अब जो उसको टैग मिलना पड़ेगा, जो उस टैग ले ले यार। सोंटा चलो रस्से पे चढ़ गया गाइस, मैं रस्से पे भाई, ये उसको आने नहीं देना मैंने ऊपर। ओ भाई कनेक्ट ही नहीं हुआ। जेडी मैकडूना जो नीचे हरकतें कर रहा है, ये कुछ गलत ही कर रहा है, जो भी कर रहा होगा गलत ही कर रहा है होगा, क्योंकि गिराया बैठ नीचे। रुक बेटा, अभी तेरा जो पार्टनर है ना उसकी ऐसी तैसी करूँगा ना, जो आपकी कनेक्ट नहीं होती ना, मुझे इतना गुस्सा आता है ना, इतना वो इंतहा लेवल का गुस्सा। रटी डोमिनिक नीचे क्यों खड़ा हुआ है, एट मैन टैग टीम है, रटी रटी लौंडे भाई। अब मैं क्या करूँ टू टैग जो सोजे जेन, बिकॉज दोनों पास ऑप्शन भी नहीं था, आई जस्ट हैव टू टैग एंड आई टैग मेन इवेंट जो सोस। एंड अभी जो सोस भाई इसको बाहर ही फेंक देना, देखो तो बाहर फेंक दे उसो, उसो बाहर फेंक, उसो बाहर, उसो बाहर, अबे उसो बाहर भाई, उसो उसो भाई, इसको बाहर फेंकने का होती, इसको बाहर फेंक के इसके ऊपर टेबल तोड़ने का होती, मुझे ऐसा लगता है। ये वो नालायक लड़के पे हो, चलो वो नालायक लड़के पे, जो उसे उसको बहुत मार रहा है सिंह बैलेंट नालायक यार। ये जो उसके साथ विन बैलर का इतना मुझे कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज ऑफ पता है क्यों, बिकॉज ये लोग टीम प्लेयर है ना बैलर, और केओ और सैमी यहाँ से टीम प्लेयर है, ये इन दोनों का मैच होना चाहिए, केओ और सैमी का, इन दोनों के साथ फिन और इसके साथ क्या नाम है अपना
डेमियन और ये जो डोमिनिक है और जेडी है, इन दोनों में से एक को अपना ये संभाल ले, एक को कोडी संभाल लेंगे। तो ऐसी केमिस्ट्री बैठानी चाहिए और ऐसी बिठा दी है अपन ने फुल केमिस्ट्री। शुक्र है मेरे चारों के चारों कंपेटिटर्स हैं, ये साथी मेरे चारों के चारों साथी जो है, मेरे चारों के चारों टीममेट जो है वो यहीं पे खड़े हुए, वरना उधर तो सिर्फ जेडी खड़ा हुआ है। जेडी अकेला लौंडा लड़ेगा, अकेला जेडी लड़ेगा, अकेला जेडी। मेरे रेफरी को लपेट दिया, मुझसे भी ज़्यादा बेशरम कोई होगा नहीं भाई। रेफरी को मार रहा हूँ मैं फालतू में, रेफरी दद्दू जी ने तो मेरा कुछ बिगाड़ा भी नहीं। रेफरी भैया, रेफरी आई सॉरी, रेफरी भैया सूरी ब्रदर, पापा पावर बॉम्ब भाई, बाहरी फेंक दिया पापा पावर बॉम्ब। देखिए ये भी अच्छी बात है, देखो नालायक लड़के डोमिनिक मिस्टीरियो से तो अच्छा ही है बात। मैं नालायक लड़के को ऊपर फेंक दिया मैंने उसके, भाई बहुत अलग लेवल सीन। अभी फिर से मेरा टारगेट हो चुका है फिन बैलर, फिन बैलर आ जाओ रिंग में, बिकॉज आप लोग और मैं अभी टैग देना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं टैग इसको नहीं दूंगा, मैं टैग दूंगा तो मेरे कॉर्नर पे आ रहा है आहिस्ता। सेमीजेन खड़ा है, सेमीजेन इधर खड़ा है, सेमीजेन को टैग मिल चुका है। वन डी भाई उसोस के सामने वन डी दे दिया यार, पुरानी यादें याद करा दी दोस्तों ने अपने, नहीं मतलब उनके दो। अब सॉरी जो उसोस, इट वाज एन क्लियर एक्सीडेंट भाई, मैंने इसको क्यों मारा रेफरी को, रेफरी बेचारा मासूम इंसान तो मुझे कुछ कह भी नहीं रहा था, कितना मासूम है रेफरी, इतना मासूम। कोई मनुष्य थे क्या रेफरी को, किसी ने कहा ना पकड़ के पीट दूंगा। ये लो भाई फिनिशर आ रहा है, लेकिन सेमी का जो रियल लाइफ फिनिशर है वो भी दे ही देते हैं हल्लुआ किक। तब तक मैरिंग में पटखा, ये जो उसका वो भी डिग्री जब लगने लग गया ना, यानी कि कूड़ी फ्रा देते रहेंगे बार बार। मत दो सर जी, कम हेयर रूस, कम हेयर सैमी जेन। अभी सैमी जेन नहीं यार, फिन बैलर क्या हो रहा है, मैं पगला गया हूँ सीरियसली मैम, पगलेट पागल कोई क्या हो गया मेरे को, खुद की बेइज्जती मार के मैं खुश होता रहता हूँ यार, ये भी कोई बात होती है मतलब। हलवा भी कह सकते हो आप लोग उसको, मैं कोई मुश्किल मतलब नाम लेने की ज़रूरत नहीं है इतना, हलुआ की कहने की, हलवा किक भी कह दो यार, क्या है अपना बंदा है। रिंग में आ जा भाई बदतमीज इंसान, रिंग में आओ, मैं अभी आने में दिक्कत लगाने वाला है, 100 साल लगाने वाला है। खड़ा किया, खड़ा कर ले, जल्दी खड़ा हो जा, पावर बॉम्ब खा जा, पावर बॉम्ब। या कैनेडियन डिस्ट्रॉयर फिनिशर क्या इसका, कैनेडियन डिस्ट्रॉयर भी है इसमें मेरे हिसाब से तो, फॉलिंग नेक देकर अच्छा खासा डैमेज कर दो फिन को। एक एक बंदा एक एक के लिए मैंने चुना हुआ है, तो वही बंदा उस बंदे को एलिमिनेट करेगा जिसको मैंने जिसके लिए चुना हुआ है। मेरे तो यही प्लान से आगे कुछ हो सकता है चेंज वगैरह, बिकॉज यार कंप्यूटर तो मेरी मर्जी से चलने नहीं वाला, मतलब ये तो मैं ही बन रहा हूँ, हो सकता है मेरा ही पहला बंदा एलिमिनेट हो जाए, बिकॉज ये जो सामने वाला कंप्यूटर है ये भी अच्छी खासी डिफ़िकल्टी वाले लेवल में है, और मैं इतना ज़्यादा खेलता भी नहीं हूँ WR3D, मैं ये सिर्फ वीडियो टू वीडियो खेल लेता हूँ, वरना कभी कभी बहुत कम, बिकॉज मैं थोड़ा सोच रहा होता हूँ, मैं आजकल सोच रहा हूँ अपने कंटेंट में कुछ चेंज लाने की, कोई अच्छी सी कोई गेम वगैरह, कोई स्टोरी मोड वाली गेम, मतलब ऐसा सोच रहा हूँ, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ आजकल मैं। आजकल क्या यार, 2-3 महीना का मैं रिसर्च कर ही जा रहा हूँ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक, कोई गेम अच्छी से मुझे मिली नहीं तो अच्छी भी हो थोड़ा गेम, मतलब स्टोरी भी उसकी थोड़ी आला हो, ग्राफिक्स भी थोड़े अच्छे हों, साइज भी ठीक ठाक सही है, चला लेंगे 6-7 GB की नहीं, लेकिन 1-2 GB की चल, 2 GB नहीं मतलब 1 GB तक तो अपन चला ही लेंगे, क्या होता है
लेकिन मसला ये है कि कोई अच्छी गेम मुझे मिल नहीं रही है मोबाइल की स्टोरी लाइन में भी। वो जो बंदे बोलते हैं वॉकिंग डेड, मैंने वॉकिंग डेड सोचा भी था कि उसका गेम प्ले स्टार्ट करूँगा, वो मुझे मिल नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ कि कोई लिंक विंक उसका गूगल वूगल से अपन को निकल जाए तो अपन जुआड़ वुआड़ कर ले। भाई साहब सैनी जेन काफ़ी अच्छे चल रहे हैं आज। सनसेट फ्लिप भाई भाई, पिन की कोशिश करने की ना आपने बहुत गलती की है मेरे भाई। मेरे दोस्त फिन बैलर, मेरे भाई बैलर, बैलर ब्रो आपको तो मैं इसलिए बैलर ब्रो ही कहता हूँ आपको हमेशा। अबे ये सेट हो गया कॉर्नर में, इसको दे दे हलुआ किक। भाई 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 डेमियन लपट आ गया कॉर्नर में सेट होते ही हलुआ किक। जरा बोल रहा होगा मैं तो फालतू में लपट आ गया ब्रो। मैं लेग ड्रॉप देने जा रहा था, लेग ड्रॉप कह रहा हूँ मैं, कुछ भी कह रहा हूँ भाई कुछ भी। दौड़ा ही जा रहा हूँ मैं इन भाई साहब को। और ये लो भाई साहब सुपर किक ये जो दे रहा है ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही इस पर, या कभी अच्छी भी लग रही है क्या झूठ बोलूँ। मैंने अब अपने साइड से जो मैंने बंदा इसके लिए डोमिनिक के लिए जो ढूंढा हुआ है वो इट्स गोइंग टू बी दी अमेरिकन नाइट मेयर कोडी रोड्स। डॉम डॉम कोडी कटर खा लो आते के साथ ही। डॉम डॉम के लिए मैंने ये सुना हुआ है और जे उसो सोचे हुए हैं अपन ने अपने जेडी मैकडूना के साथ। जे जे देखो जे जे और कोडी के मैं डॉम के साथ भी उसका करवा सकता था, सोच सकते डॉम के साथ भी उसे कर सकता था, लेकिन यार डॉम और कोडी का काफ़ी ज़्यादा राइवलरी भी रह चुकी है। एक दफ़ा पेपर व्यू में भी एक दूसरे को फॉट कर चुके। एक और कोडी कटर, अब तो बेटा कटर चलेंगे। अभी जान ही रहा ना डेमियन प्रिस्ट, गुस्सा आ गया ना मुझे। कोडी रोड बन के भाई जेडी को भी लपेट लिया मैंने। अबे मर तो नहीं गया डॉम डॉम? डॉम 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 आर यू फाइन और गॉन टू द गॉड? अबे यार ये क्या हुआ, मैं तो रस्सी से ही टपक गया। ये वाला अटैक ओ ड्रॉप किक लेट्स गो डैम सुई, लेट्स गो। खड़ा हो रहा है। गया अपने सीनियर मनी इन द पापा को टैग देने। मैं मेरे कॉर्नर पे भी फोकस लाओ ना, मैं अपने कॉर्नर पे आ रहा हूँ यार टैग देने। कोई है खड़ा हुआ बंदा? हाँ भाई क्यों खड़ा हुआ था, क्यों लौंडा खड़ा हुआ था? सब कोई खड़ा ना हो क्यों तो खड़ा होगा भाई, क्यों का तो अपने अच्छा एक फ्रेंड बजा के चला गया। अच्छा बराबर। अबे यार ये वहाँ से कूड़ी को मनोवर देगा वहां से। अच्छा कोडी ने ये मनोवर दे दिया, इसको नहीं जाएगा ना लाइक लड़के नहीं जाएगा। अबे रेफरी को मत फेंका यार, रेफरी को तू फेंका है ना लाइक रेफरी। ओ एक स्टनर तो काफी अच्छा चल रहा है फिलहाल मैच। मैंने यही स्ट्रेटजी जब वहां पे मैं जीत नहीं रहा ना, मैंने यही स्ट्रेटजी। ओहो एज के कपड़ों में बिल्कुल सैमी ज़ेन, वैसे भी एज ने अपना 25 ईयर्स वाला जो टोरंटो में अटायर पहना था जो प्रॉबेबली एज का WWE के अंदर लास्ट मैच था उसके अंदर वो सैमी को दे दिया, तो अच्छा एज के कपड़ों में अच्छे लग रहे हैं सैमी ज़ेन। अब तो डॉम डॉम को बेचारे को हम पीटी जा रहे हैं। सीनियर मनी इन द बैंक एक स्टनर खाओ और बैंक भाई बैंक खुलवाना है मुझे, बैंक में अकाउंट खुलवाना है भाई। बैंक कौन खुलवा सकते इतना अमीर कौन है आजकल। सुअसीना भाई सुअसाइड डाइव मार दिए इसके ऊपर, और इससे पहले गंदा आदमी फिन बैलर है। मैं रिंग में चला, आजा गंदे आदमी, तू भी गंदा आदमी, सब गंदे आदमी भाई, मैं ही अच्छा आदमी हूँ सिर्फ। अबे यार मेरी इस पर क्यों गंदी नजरें रहती हैं भाई रेफरी पे। स्टनर तो भाई मैंने उसको स्टनर मार मार के पागल कर दिया होगा उस टाइम से। भाई ये क्या बदतमीजी, मैं इसको उठा रहा हूँ ये गिर जा रहा है। बदतमीजी इंसान बदतमीजी ना कर। ओ जिमी उसो भाई ये कांड करेगा, ये लौंडा कांड करेगा, ये फास्ट लेन के अंदर नहीं होना चाहिए। अपने ही पार्टनर को पेल दिया, वाह वाह लौंडे वाह, वाह बदले वाह, वाह क्या लौंडा भाई। जिमी उसो था इसके अंदर, जे उसो था जिमी की टीम है,
इसलिए जिए उसको जिम्मे उसको इसको मारने आए हैं। अबे देखो ये देखो गंदा आदमी मेरे को भी मारेगा क्या? स्प्लैश, नहीं 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 धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। ये देखो जजमेंट डे के साथ वैसे भी आ चुका है ये लौंडा। मेरे को बहुत पेन दिया यार, मैं रिंग में भागू यार, मैं डर लगने लग गया मेरे को जिमी उसो से। जिमी उसो एक ही गंदा लौंडा। जेडी मैकडू ना टाटा भाई, जेडी को तो मैंने ऊपर से सुला डाला। ये ले तू, एक स्टनर खाए बिना तो मैं नहीं छोड़ूंगा। दिल कर रहा है जो उसको टैग दे दूं। तू लीगल है? ये लौंडे लीगल हो गया। वेयर इज जोसेफ? ये लौंडा लीगल हुआ, उसके बाद ये लौंडा लीगल हुआ, तो इस लौंडे को टैग मिलेगा। जो रेफरी, रेफरी भैया सीरियसली, मेरा कोई दिल से ये आपको मारने का कोई इरादा नहीं था। यू जस्ट कॉट इन अ क्रॉस फायर सिचुएशन। मेरा क्रॉस रोड्स, डर्टी रोड्स आ गया है भाई। अब तू चल, कोड ब्रेकर खा लिया भाई इस लौंडे ने, इसको वहीं पे देना पड़ेगा क्रॉस रोड्स। मूड सॉल्ट। अब ये जिमी उस गंदा आदमी भी मेरे ऊपर ही नजारे रख के बैठा होगा। अब यार मुझे क्यों मार रहा है? जोसेस भाई, जिमी जोसेस को, हाँ डोमिनिक को मार भाई, डोमिनिक को पे, डोमिनिक की अपना लौंडा जिसकी वजह से सारी फसाद खड़ा कर साले को खड़ा कर। ओ यार गाली गलम गलोच नहीं, मार 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 इसको, पेल पेल मार, बराबर से मार। मैं चला रही मैं देखो थमा खो बुलाओ भाई बाओ टारगेट इस पे क्या, जिससे पहले मारे भागो। मैं क्या पागल जैसी हरकत कर रहा हूँ, मैं क्या पागल जैसी हरकत कर रहा हूँ यार, सीरियसली मेरे को समझ नहीं आ रहा। कुछ तो क्रॉस फायर स्टाइल भाग रहा हूँ, कुछ तो मैं कर ही रहा हूँ। अभी जेडी को मिलेगा अपन देंगे। ओहो जेमी उसो को मारना शुरू कर दिया, जो उसने अच्छे काम जो उसके स्टार्ट हो चुके हैं। कियो को टैग गलत दिया मैंने, मैंने कियो को टैग नहीं देना था इस टाइम क्रॉस फायर में। हल्की से को टैग मिल चुका है लौंडे। ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं यार, क्या हुआ उसको, क्यों मार रहा है? क्रॉस सुपर किक। अब आपस में मत लड़ो दोनों के दोनों, मैं इसको टैग दूं जरा जो उसको। जो उसको इंजर्ड, उसो भाई 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 उसको इंजर्ड हो चुका है भाई, कोडी नहीं छोड़ेगा अपने दुश्मन को। अबे रेफरी क्यों कूद रहे है भाई? रेफरी जी ये अब कोडी को अटैक देना पड़ेगा, जो उसके विक्टम से भी कोडी को ही अब लड़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो भाई डाउन एंड आउट हो चुके हैं। दस एलिमिनेटेड यार, ये मुझे मारा ना तूने भाई, मैं तेरा मुंह फोड़ दूंगा, सीरियसली बोल रहा हूँ। आ जाओ इन बैलर लीगल, आ जाओ बैलर ब्रो। यार क्यों कटा, नहीं नहीं सैमी सैमी खड़ा हुआ, सैमी खड़ा हुआ ये सबके दुश्मन मैंने। अभी यार मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर आपने कुछ किया ना कोड़ी, ऐसी हरकत वाली, ऐसी हरकत की है आपने, तो आई विल मेक श्योर। आ जाओ, इसको मैंने बाहर निकाला ही इसलिए कि मैं आ सकूँ रिंग में और मैं तुझे ले जा सकूँ सुप्लेक्स देकर। अब आ जा भाई, तेरा जानी दुश्मन सेमी जेन आ चुका है। ओहो क्या शॉट्स दे रहे भाई, क्या ही शॉट्स हैं। अगर इसने उसको टैग दिया क्या नाम डेमियन को, तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इसको दिया जेडी को तो अपन इसको दे देंगे, क्योंकि भाई अब वो तो किसी काम का रहा नहीं है। जेसोस क्योंकि जेसोस हैज बीन इंजर्ड, उसको धोखा दे रहा है नहीं दे रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं दे भी रहा है एक तरीके से, नहीं भी दे रहा है एक तरीके से, बस कुछ समझ समझ आ नहीं रहा है मुझे।
मैं इस पर क्यों टारगेट करके बैठा हूँ यार, हम टीम मेट्स को टारगेट करने वाला बहुत ही बेकार ऑप्शन है, मतलब बुरा ना मानना लोग जो जो ये वाली गेम खेलते होंगे, लेकिन ये बेकार ऑप्शन है, मतलब यार WRTB का अपन ही टीम मेट पर टारगेट करके धोखा दे दूँ। या तो कुछ स्टोरी वोटोरी क्रिएट हो रहा है, जैसे रेसलिंग एम्पायर के अंदर होती थी क्रिएट के पूरे स्टोरी। ओ हो, नया ट्विस्ट भाई, सैमी जेन की वजह से धोखा दे दिया जेउसोस ने, मुझे पता था जेउसोस धोखेबाज है। मॉमी मॉमी के लिए इसने जो बातें कही है ना ट्विटर पे, इस वजह से मुझे पता था ये गंदा आदमी धोखा देगा। स्विच तो कर लिया बेटे तूने साइड, ठीक बराबर, लेकिन उस साइड में बंदे ही कम है, फुल कम है भाई अभी फुल। इसको एक फिनिशर और देना है पीट पीट के, अधिक सो खत्म हो ही जाएगा तब तो मैटर। यहाँ से भी लेग ड्रॉप दे देते हैं, ओमाच कर देते हैं थोड़ा ज़रा अपन भी। यार अपन को भी थोड़ा ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट देना चाहिए सब लोगों को, सारे बड़े रेसलर्स को। स्वॉन्टम, अब मैं स्वॉन्टम पे स्वॉन्टम दे दे के थक गया हूँ यार, प्लीज़ अब एलिमिनेट हो जाइयो। अब आ रिंग के ऊपर में, वाह ऊपर, ये मैच काफ़ी अच्छा है और लंबा चल रहा है। आई नो गाइस, पिन कर लेते हैं, वन वन में किक आउट मैन, वन में किक आउट, जस्ट इन किक आउट एंड वन, दोनों को हलुआ किक भाई, हलुआ किक ही मार दी मैंने। और डेमियन प्रीस्ट आ चुके हैं, वेलकम टू द पार्टी प्रीस्ट। लात भी लंबी है यार, लंबी लात वाला प्रीस्ट। क्यों भाई तुम ही ऊपर आओ, कोई तो ऊपर आओ, टाइम नहीं है। क्यों प्लीज ऊपर हो भाई, क्यों प्लीज ऊपर हो, मेरे कॉर्नर में जरा स्विच करना, वह खड़ा हुआ कॉर्नर में टैग लेने के लिए। नो वन, यू टैग देन जेडी, और मेरे पास कोई भी नहीं है। जीडी में डूना को टैग दे दिया और मेरे पास कोई भी नहीं है फिलहाल टैग करने के लिए। बहुत हो गया तुम सबका, मुझे जीडी पागल। नहीं कभी कभी ग्लिच भी हो जाता है, वो कह देते हैं कि मैंने अपनी स्टेटमेंट चेंज की है, लेकिन नहीं की होती। नहीं इसमें कर लिए भाई, क्योंकि कॉर्नर में बैठ गया उनके, वो चार हैं हम तीन, उनका एक बंदा भी एलिमिनेट हो गया, लेकिन फिर भी वो चार हैं हम तीन हैं। जरा उस बेवफा उसको टैग देना, बेवफा इंसान को, बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया, अब एक ब्लॉकबस्टर दो इसको। गंदा आ गई जोश, उसका टूटा हुआ है जोश, उस ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आई थिंक सो होने नहीं वाले हैं, बंदा बैठा बैठा गिर जा रहा है, तो का ही प्रॉब्लम बनेगा बबुआ, तुम खुद ही देखो बबुआ। जरा मुझे सीरियसली कोई चाहिए अटैक के लिए, कोई नहीं अटैक देने को, वहाँ पे पूरी फौजें खड़ी हुई हैं अटैक लेने के लिए। शेल आई जस्ट वॉन्ट टैग मैन, क्या करूँगा भाई अकेला इतना लड़ लड़ कर, मैं कोई आ ही नहीं रहा अटैक के लिए। ओ भाई भाई सैमी जी अकेला लड़ रहा है भाई सबसे। कोडी भाई कैमियो दिया और वहां पे खड़े हो गए, एम इनको अपनी मस्तियां सूझ रही हैं, हम क्या करेगा इस अकेला सैमी जेन वर्सेस ऑल वाली सिचुएशन हो गई है भाई। प्लीज कोई आओ कॉर्नर पे, शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन अब मैं इसको टैग देना नहीं चाहता, ये अब मेरे पे आ चुका है फिनिशर,
अब मैं चाह रहा हूँ उसको एक दफ़ा फिनिशर कनेक्ट ही कर दूँ। हल्लू आके कुछ टाइम मुझे इतनी ज़रूरत थी यार। क्यों आप कहाँ चले गया था, पसड़ गया था? हाँ टैग दे दिया वैसे, क्यों क्या भाई फिनिशर ऑलमोस्ट आया हुआ है ये। एक टीम मूव दे देते हैं, मैं तो कहता हूँ खड़ा कर इसको। खड़ा किया उसने, अपन दोनों का एक टीम मूव। अबे यार इसको क्यों टैग, मैं क्यों पागलों जैसी हरकत कर रहा हूँ। स्टनर, अच्छा किया स्टनर देकर। सेंटॉन, अच्छा, मोमेंटम चल रहा है मेरा। यस मुझे थोड़ी बहुत टॉन्ट्स करनी है। किधर गया जी उस भलो, मैं क्या हूँ भी नहीं, मेरे को पता भी नहीं है मैं हूँ कि नहीं हूँ। क्यों मैंने तो ये फिगर फोर नहीं दिया, मैं तो टॉट कर रहा हूँ, पता नहीं मैं हूँ नहीं हूँ। तो कंट्रोल ही हट गया क्या? अब मैं अपने प्लेयर को मूव कर रहा हूँ बट क्यों मूव नहीं हो रहा। अब मैं किया हूँ, हाँ मैं किया ही हूँ। अब मैं हूँ क्यों, एम क्यों ना हो, क्यों बन के मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी लाइफ की। जाओ सैमी को टैग दो यार, क्यों फिट नहीं है इस बंदे के लिए। कोड़ी रूट का मैंने टैग ही इसलिए दिया है, मैं बाद में जाके। बढ़िया बढ़िया, बराबर बराबर बराबर। ये मैंने सिर्फ गेम चलाई है भाई, अभी टैग मैं दूंगा उसको। कोडी सर मदद, कोडी कोडी भाई मदद तो कर दो। वो रेफरी को है ना कौनडा वाइस पकड़ के बैठा हुआ है भाई भाई। गजब 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 इंसान है ठीक है। क्यों भी रेफरी भैया टैप आउट कर करके मर गया रे। क्यों छोड़ दे यार रेफरी भाई को, रेफरी बेचारा रो देगा, बोलेगा मैं ये मैच क्यों ऑफिशिएट करने आया हूँ। लेग ड्रॉप, बस आ गया मेरा फिनिशर। क्यों का फिनिशर आया हुआ है, क्यों का फिनिशर आया हुआ है। टैग दो क्यों को, टैग दो क्यों को, क्यों को टैग दे दिया मैंने। क्यों का फिनिशर आया हुआ है ना, हाँ वो ना ब्रेक कर दे दिया मैंने कोडो को। गो का फिनिशर जल्दी से सैमी, अब तुम जाओ मुझे तुम्हारा फिनिशर देना है। बोला रेफरी भैया आया, रेफरी को एक स्टनर पेल दो। रेफरी भैया हरकतें करने ही आ रहे थे, मुझे पता था रेफरी भैया हरकत करेंगे। स्टनर भाई, भाई पिन हो सकता है इसका, पिन हो सकता है। 1 2 3 लेट्स गो डैम्स, वी ओनली 3 मेंबर्स आर लेफ्ट। अब कौन सा बेवफा इंसान आ रहा है। अच्छा, अब कौन है भाई, अब कौन आएगा। स्टनर, अब कौन आने वाला है। जो सोस की तो ऐसे ही काउंट हो जाएगी। जेडी मैकडूना को टैग दिया जे उस बेवफा इंसान। मेरे कॉर्नर में कोई नहीं है, तुम्हें पास कोई ऑप्शन नहीं है टैग देने के लिए। टीम वर्क चल रहा है ना, हाँ टीम वर्क, टीम वर्क। ओ भाई
ये कोई बंदा चाहिए यार जिसको मैं टैग दे सकूं यार, कोई तो आओ तुम दोनों में से। सानू नाराज हो गया, बोलता है यार मेरे को भी 2v1 करना पड़ा, तू भी 2v1 कर। भाई पॉली हेमन को टैग पे ले आओ। शुक्र है कुड़िया है, शुक्र है कुड़िया है, शुक्र है कुड़िया है। तो मुझे कुड़ी को टैग देना है। दौड़ 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 समित, तू ही आ जा। अब नहीं देना, अब मुझे नहीं देना। नहीं भाई देना है भाई, अब देना है। ओ भाई भाईजान अब देना है, भाईजान भाईजान अब टैग देना है भाई। भाई चौंप मार मार के तू लौंडा गिरा दे रहा है मेरे को, बदतमीज लड़का। ओके अपन रिंग में, ये गेम ही उस पता नहीं क्यों उनके साथ दी जा रहा है। जजमेंट डे का रियल लाइफ स्टाइल अपने भाई तक का साथ नहीं दे रहा, बिट्रेयल हो वो यार। अच्छा ड्रॉप किया उसने, उसको ही मार दी। अभी तो जल्दी जा कॉर्नर में, जल्दी जल्दी जाएगा तो मैं तेरे को टैग दे पाऊंगा। नहीं आएगा जल्दी टैग शैग भूल जा फिर। मैं जियो सोस पे टारगेट है मेरा, अब है मेरा टारगेट सही इंसान पे। चौक से मैं गलत को टारगेट करके बैठा हूँ। कोड़ी रोज जज्बाती इंसान, इसको भी ना जाने दीजिए। कोड़ी कोड़ी अपना जज्बात मैंने दिखा हम सबको। अरे रिंग में सीधा पार्सल, सीधा रिंग में पार्सल किया, पार्सल नहीं भाई पार्सल किया है भाई। मुझे इतनी टेंशन पता नहीं क्यों हो रही है, मगर हो रही है। क्यों ये भाई क्यों का कस निकाल दिया इन लोगों ने, मुझे टैग देना है। रेफरी के मार दिया टाइटल उठा कर भाई। जिमी उससे उसके अलग ही पंगे। कोडी आप आओ रिंग में, आपको जज्बाती नहीं होने का। कोडी रिंग में आओ टैग मिलेगा, कॉर्नर में खड़े हो जाओ खाली। आप एक दफा खड़े तो होके देखो, कोडी टैग नहीं दिया मेरा नाम। अच्छा बच्चा, गंदा बच्चा, अगर मैंने आपको टैग ना दिया गंदा बच्चा, नाम बदल देना भाई। कोडी एक दफा रिंग के अप्रैल में खड़े तो ओ खड़ा हो गया, खड़ा हो गया कोडी। कोडी तुझसे उम्मीदें हैं, प्लीज खड़ा हो जाए अप्रैल में। सत चुका हूँ, कोई मेंबर आ रहा है कभी कोई मेंबर आ रहा है भाई। फ्रैक्शन का फ्रैक्शन बड़ी भी है, फिर मेंबर पे मेंबर आई जा रहा है यार, मेरे को उतना दुख हो रहा है। जिस बंदे का मेंबर पे मेंबर मेंबर पे मेंबर मेंबर पे मेंबर। कोड़ी खड़ा हो गया, कोड़ी आ चुका है टैग लेने के लिए। कोड़ी रोड अमेरिकन नाइट मेयर को देना था टैग यार, देने में ये स्टॉम्प अब इसके लिए कनेक्ट होता ना, मैं मार डालना था भाई। पता नहीं किसको मारता लेकिन मारता पकड़ के खींच के भाई। नहीं 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 रिवर्स रिवर्स करना। सेमी सेमी बोले, सेमी 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 बोले 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 भाई। ये पता नहीं कोड़ी के उससे क्या मतलब, अपने ये इन भाई साहब जी की रेफरी भाई साहब जी से क्या दुश्मनी आ गई भाई। रेफरी को पहले आ रहा है भाई, उस टाइम से देख रहा हूँ भाई। रेफरी की बेइज्जती इज्जत कुछ इज्जत चल ही नहीं रही। पिन भाई पिन पिन पिन, इसको पिन करो। दो फिनिशर दे दिए तो पेन हो जाना चाहिए। 1 2 3 फाइनली फाइनली गाइस, और आ चुके हैं हमारे मेन इवेंट लौंडे, जिनके लिए अब केओ को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि केओ ने उस वक्त भी कहा था कि मुझे इस लौंडे पे बिलीव नहीं। अच्छा जाओ निकलो, ये उस टनर खा जा और पिन करा आ जा, पिन करवा जा भाई। 1 2 3 बस खत्म टाटा। अब रह गया एक लौंडा, उसको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। जे डी मैकडूना नामक लौंडा। अब जाओ कोडी रिंग के अप्रन में, अप्रन में गया टैग लो कोडी।
इट्स टाइम फॉर टैग द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। सोची तो सोची कैसे मैं यार, मुझे भी पहल दिया बीच में लपट आ गया मैं। ड्रॉप किक, लेट्स गो डैम स्वीट। मुझे अपना अमेरिकन नाइटमेयर दिखाना पड़ेगा इसको कि मैं कितना बड़ा नाइटमेयर हूँ। खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो। कोड़ी कटर, अब तो भाई कटर पड़ने वाले हैं इसको। कटर पे कटर, उसको बोल्ड कटर बनाने वाला हूँ मैं। जोसोस तो फौत ही हो गया भाई रिंग में। जोसोस जोसोस अब आने का नहीं, ये दुनिया है यहाँ आने का नहीं। जोसोस ब्लड लाइन का तो कोई मेंबर की भी, सबको ये भी मार रहे हैं। कोडी रोड्स भाई अच्छा सा, एक और कोडी कटर हो सकता है। ये वाला जो मैच मैंने करवाया है सर्वाइवर सीरीज में, रियल लाइफ के अंदर हो, जो सोस सैमिजेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस, मतलब जो रियल जजमेंट डे के मेंबर्स हैं। लेकिन मुझे लगता है कि रूमर्स अभी ये भी चल रहा है कि भाई ये वाला, और मुझे पर्सनली भी लगता है ये वाला ही मैच होगा फास्ट लेन में, क्योंकि ये हुआ था 2000 पहले भी हो चुका है। ये वाला मैच नहीं, ये जो ये चाह रहे हैं, लेकिन फास्ट लेन के अंदर 4v4 का ट्रेडिशन होता था, मुझे याद पड़ता क्योंकि मैंने जब देखना शुरू किया था आई सी प्रे वाइट की पूरी वाइट फैमिली वर्सेज केन बिग शो राइबैक एंड ब्रे वायर और पॉल हेम बिग शो और भी बहुत, मतलब राइबैक और बहुत एक शायद शो का एक मेंबर था पता नहीं कुछ ऐसा ही मेरे याद पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छे से पीटो उसको, अच्छे से पीटना कुड़ी, कुड़ी छोड़ना नहीं है कुड़ी, कुड़ी सांस बाकी नहीं रहनी चाहिए कुड़ी, कुड़ी सांस नहीं रहने देनी उसके अंदर भाई। इतने कटर मारूंगा, इतने कटर मारूंगा, सोचा ना होगा कभी कि इतने कटर मुझे कोई मार भी सकता है। एक सुपर जाइंट कोडी कटर, जाइंट कोडी कटर, लेट्स गो डैम स्वीट। अब खड़े हो गए लौंडे, कोडी कटर भाई एपिक एपिक सीन्स। एक और मून सॉल्ट, अबे यार ये क्या हुआ भाई, भाई दोनों ही गैरिंग के फ्रेंड पे खोड़ी रोल ब्लो वो ना वाला मनूवर, क्या कहते हैं इसका नाम क्या है, मैं तो ये भी भूल गया इसका नाम क्या होता है। खड़ा हो यार, या मैं एप्रन पे आके तुझे मनूवर मारूं, क्या बोलते हैं एप्रन पे, एप्रन वाला एक्शन मुझे आना ही पड़ेगा एप्रन पे। ओ मैं आया एप्रन पे तो वो खड़ा हो गया, ये क्या बदतमीजी है, ये तो ऑटन वाला डीनीटी दिया इसने, वो जो ऑटन नहीं देते। और उस गेम के अंदर ये वाला डीनीटी भी नहीं है, मतलब यार जो नया मॉड है वो थोड़ा थोड़ा ठीक कह सकते हैं उसे, इतना अच्छा नहीं कह सकते जितना ये वाला मॉड है। क्रॉस रोड से बिना तो ये मैच ख़त्म नहीं होने वाला। दो मूनसॉल्ट बैक टू बैक मैंने दे दिए हैं, बाकी जो बचे हैं ना वो कटर हैं। अब कटर की बारी आ रही है तो कटर दे ही देते हैं इसको, एक पहला कटर। अच्छा मेरा मोमेंटम गेन हो रहा है इससे, ये कटर वगैरह देने से थोड़ा स्वैगर मार लेते हैं। कोडी रोड बने आखिरकार, अपन कर दिए अमेरिकन नाइटमेयर है, अपन नाइटमेयर है लोगों का अपन। अच्छा यार ये जो ग्रैपल है ना इससे काफ़ी अच्छा मोमेंटम गेन हो रहा है, तो उसको ऐसे ही मारते रहते हैं बस। एक सुप्लेक्स भी दे दे, एक जायंट सुप्लेक्स, क्योंकि हरी कराना, चलो हरी कराना भी चलेगा, बस मनूवर मारो सब चलेगा। डाउन कोडी फिर से खड़ा हो चुका है, कोडी हूँ क्या मैं, आप कोडी हूँ, हाँ मैं कोडी हूँ। ये टैप आउट ना कर दे, मुझे बस इसी चीज़ का डर है, वरना तो भाई इसको सबमिशन दे दे कि मैं अपना फिनिशर 2 मिनट में ला सकता हूँ,
मैं गिर गया, स्लिप, रूप रस्सी फिसल गई या मैं फिसल गया पता नहीं, फिसल तो मैं जाएंगे। अब जीडी बेचारे की कुटास रहती है, कुटास लगा दूंगी इसकी। एक कोड़ी कटर क्रॉस फेस भाई, छोड़ा भाई छोड़ा, तेरे को जा, तेरे को छोड़ा, मैं खड़ा हो रहा हूँ। अब तू खड़ा खड़ा हो गया। एक जायंट कोड़ी कटर जो नहीं कनेक्ट हो सका, जिसका मुझे दिल से अफसोस आ रहा है यार। इतना मैं तैयार था ना इस दफा कोड़ी कटर देने के लिए, पूछो ना जितना मैं तैयार था, लेवल से तैयार था मैं। आ चुका है मेरा फिनिशर। गाइस आर यू रेडी फॉर आई क्रॉस रोड, वरना जस्ट किक आउट ऑफ अ क्रॉस रोड, मैन इज जस्ट किक आउट ऑफ अ क्रॉस रोड विदाउट अ वन काउंट। उस आर यू टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, हाउ इज दिस पॉसिबल मैन, हाउ इज दिस पॉसिबल। एक और क्रॉस रोड, और अब अगर तेरा पिन नहीं हुआ, you don't know what I am gonna do with you, you don't know brother what I do to you। Hulk Hogan में बन गया सस्ता वाला, अभी brother brother कर रहा हूँ भाई साहब। जंपे जंपे चल रही है कुड़ी की। खड़ा हो गए तू, अब खड़ा हो तू खाली, अबे खड़ा हो रिंग में, आ रिंग का अपना मजाक। वो खड़ा मुझे भी होना यार, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा ना, इस वजह से पिट जाऊंगा। आ जा रिंग में, ये मेरी हरकत क्या भाई, रिंग में आता हूँ, रिंग में खड़ता खोता हूँ नहीं, मैं शुरू हो जाता हूँ मारने पीटने। ये ले नीचे ही मार कुटास नहीं चलनी चाहिए, ऊपर मार कुटास होगी अब तो भाई ऊपर चलेगी पूरी मार कुटास, और वो भी जेडी मैकडूना की, मैकडूना की, जेडी मैकडूना नहीं, जेडी मैकडूना। इसको जाइंट कोड़ी कटर चाहिए ना, इसको जाइंट वाला कोड़ी कटर देंगे इसको, जाइंट से भी जाइंट, जाइंट गोंजालेस वाला कटर। इधर तो आवे, इधर तो आ, कितना जाइंट कोड़ी कटर दिया लेकिन एक रुपए का मोमेंटम बढ़ा। दैट्स द बॉटम लाइन, दैट्स स्टोन कोल्ड सच। क्रॉस रोड देना चाह ही रहा था लेकिन रिवर्स क्या लौंडे हैं। अब भाई बहुत हो चुका है, मेरी बस हो चुकी है, दूसरा मैच भी करवाना है, वो भी इतना ही लंबा गुजरेगा। उसे ऊसू वाले भाई लोग जो हैं अपने ही पार्टनर पर टर्न टून कर लेते हैं। तो यार गाइस देखो अभी वीडियो ये वाली भी बहुत लंबी बन चुकी है, तो वो जो सीना वाला मैच है उसके अंदर अपन एजी को ही पार्टनर बनाएंगे, हो सकता है एजी बने, हो सकता है रैंडी वगैरह रिटर्न आके कोई इनका पार्टनर बन जाए। एलए नाइट के भी बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन मैं बस जॉन सीना एंड एजी का ही मैच करवाने वाला हूँ, क्योंकि इतने सारे मैच करवाने लग गया तो फिर दो, ये भी एक घंटे की वीडियो बन चुकी जाएगी, और पहला भी जो उसका फर्स्ट पार्ट भी है वो भी एक घंटे का ही ऑलमोस्ट। जो अपन सेकेंड मैच लगाएं जल्दी से, टैग टीम टू रेफरी वन रेफरी, टैग टीम नॉर्मल, टैग टीम, टैग टीम कोड़ी रोड्स के जगाएंगे एजे साइज एंड जॉन सीना, एजे साइज जॉन सीना। और गैस हो सकता है रूमर्स है कि एलए नाइट बने उनके पहले पार्टनर, मतलब एलए नाइट बने सीना के पार्टनर, हो सकता है वो बने, क्या नाम है अपना, क्या नाम है यार, रॉक, उनके भी बहुत सारे रूमर्स हैं, ऊपर से उनके रूमर्स हैं, क्या नाम है, रैंडी ऑर्टन। मैं बस चाहता हूँ रैंडी ऑर्टन बने, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन यही है कि भाई इसमें कोई अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है, तो भाई अपन नॉर्मल जो सादा सादा मैच अनाउंस हुआ था वो ही कर लेते हैं स्मैकडाउन में। गया रोस्टर में सबसे पहले आ गए जिमी उसो, फिर आ गए सोलो सीखो आ,
सोलो सिका आ चुके हैं, इट्स टाइम टू प्ले और ये मैच लगता है, फिर मैं तुमसे मिलता हूँ। भाई इट्स टाइम फॉर भाई इट्स टाइम टू स्टार्ट द वीडियो और अभी गाना सुन। टू स्टार्ट द मैच अगेंस्ट जिमी उसो, टेक डाउन जिमी उसो। सिकोवा जरा पीछे देखना, सिकोवा तो बस्टेड ओपन हो गया भाई, मैच स्टार्ट नहीं हुआ, सिकोवा बस्टेड ओपन। डबल ए भाई, डबल ए सोलो को, और मतलब एजे, लेकिन मुझे ज्यादा रूमर्स वगैरह जो है, अगर ऑटन आ गए तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा, रॉक आए तो भी मैं खुश होऊंगा, लेकिन मैं और रॉक आए तो भी मज़ा आएगा, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ऑटन बने सीना के पार्टनर। मुझे जितने मुझे जो लग रहा है कि एले नाइट को बना देंगे, वरना एजे ही आने वाले हैं। ओ भाई ये लो एक फिशन मैन सुप्लेक्स, जो कि कनेक्ट हो नहीं पाया हमारे उसो ब्रदर में से एक उसो ब्रदर को। एक बैली टू बैली सुप्लेक्स, आँख पे सीना 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 सीना, पैर बहुत चल रहे हैं भाई तुम्हारे, कर दूँ इलाज एसटीएफ से, पैरों का इलाज करते हैं सीना इनके। फिनिशर आ गया मेरे पे, मैच स्टार्ट नहीं हुआ, मेरे पे फिनिशर है, बस ये ले ये ले ये ले, दो तीन मुक्के काफ़ी हैं तेरे लिए। और जिमी उसोस फाइव नकल शफल, जॉन सीना यू कांट सी मी, एटीट्यूड एडजस्टमेंट भाई, एटीट्यूड एडजस्टमेंट, एक सुपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी बनती है ना, बनती है भाई बनती है, सुपर ये, सुपर से भी ऊपर वाला ये, सुपर ये भाई, सुपर ये की कोशिश, सुपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट, सुपर से भी ऊपर वाला ये। और सोलो को देखो भाई, सोलो को मैच के स्टार्टिंग में अपन ने बस्टेड, बल्कि एजे ने किया, एजे भी जोश में, देखो एजे लौंडा भी जोश में, एजे लौंडा भी जोशीला चल रहा है। एक और डबल ए भाई, डबल ए पे डबल ए, तुम लोगों की तो कुटास ही ऐसे होनी चाहिए। अभी देंगे अपन जरा टैग अपने एक और लौंडे को, यानी कि एज ए स्टाइल्स को। सीना की हेल्थ बहुत कम कम हुई है, अच्छी बात है यार, बुरी बात क्या इसमें, खड़े हो गए अपन, अब तुम्हारे कॉर्नर से मारूंगा फिनोमिनल फोरम, जो कर सकते हो मेरा कर लो, खड़े हो और खड़े हो भाई, तो इतना डैमेज हो गया क्या जिमी, जिमी खड़ा हो जाए यहां से, एक फिनोमिनल फोरआर्म, जिमी जरा खड़ा हो, तेरे पैर पे जरा हमला किया जाए। उशी गड़ूशी भाई, उशी गड़ूशी, और बहुत सारे बॉम्ब शॉम दे रहे हैं अपन इस वाली गेम के अंदर। एजे की भी मूव सेट अच्छे, उसके अंदर फिनोमिनल फोरआर्म नॉर्मल, जैसे मैंने रेसलिंग एम्पायर के अंदर, जो मैं नई गेम की बात कर रहा हूँ जो आई है स्पीकर भाई की मॉड जो है WR3D का, उसके अंदर के ये है कि जो जैसे अपन नॉर्मल नहीं मारते, जैसे मैंने रेसलिंग एम्पायर के अंदर सुपरमैन स्प्रिंग बोर्ड सुपरमैन पंच दिया था, उसके अंदर वो वाली एनिमेशन नहीं है, ये वाली जो एनिमेशन है ना इसके अंदर। भाई 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 आया सोलो, आया स्वाद सोलो भाई आया, जो अपने पंगे लेके मजे करने थे कर लिए, अभी आपके भाई की बारी, चलो यार भाई को भी मौका मिलना चाहिए, आ जाओ दोनों के दोनों एक एक स्टार्स क्लैश खा लो। किक आउट एट वन, तुम और पिटना चाह रहे हो यार, उस गलत बात है भाई, सीना भी जोशीले और खुराफाती होते जा रहे हैं मेरे साथ रह रह के, सीना के भी गंदे इरादे चल रहे हैं मुझे लग रहा है, जैसे
ओ भाई बैक सुप्लेक्स वो भी चेयर के ऊपर, कमर टूट गई होगी। ये लो भाई, मैं तो इसको ऐसे पीट रहा हूँ बच्चों को नहीं पीटता भाई। पीट पीट के जिमी उसे उसका फुरकस निकाल दिया, जैसे जिमी के भाई ने भी अपना कंधा पकड़ लिया था मैच के बीच मैच में, भी पकड़ लिया है अपने भाई जोसोस की तरह। जोसोस अभी रिंग साइड पर खड़े हुए हैं, ड्रॉप किक खाओ भाई भाई भाई, भाई। एजे के तो काफी अच्छे मनूवर्स हैं। एजे का पेट भाई, पेट में क्या हो गया एजे भाई पेट में क्या हो गया? पिन मैं नहीं कर रहा बिकॉज मुझे पता है कि पिन तो हो सकता भी है, लेकिन भाई वाह वाह क्या किक मारी है, पहले किक तो नहीं है। चलो अच्छी है क्या भी, ये बढ़िया बेहतरीन। ओहो ये क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, एक हरी के राना भाई भाई भाई, ये मस्त उसकी कुटास प्रो मैक्स हुई जाएगी है। लेकिन रुको यार, कुटास प्रो मैक्स ऐसे पिन करूँगा मज़ा नहीं आएगा ना, कुटास इतनी करके फिर ऐसा अजीब सा पिन करके सोलो को दिखा के, फुल सोलो को दिखा के कूदूंगा इस पे। एप्रन पे मैं खड़ा हूँ, तेरे को डर, तुझे लगता है मुझे तुझसे डर लगता है सोलो? ये देख ले 450, और ये क्या ओपी 450 था गैस। इसके लिए वीडियो को लाइक करूँ, स्प्रिंग बोर्ड करके ऐसा खड़ा होने लगा, मैंने भाई 450 दे दिया बीच में, और कितना मतलब किप अप मार के खड़ा हुआ भाई। टशन एजे के सामने नहीं चलेगा, एजे के सामने टशन दिखाने का नहीं। स्कॉर्पियन रेड ड्रॉप ये भी अच्छा था, लेकिन अभी असल मनूवर तो अभी आएगा। असल मनूवर तो बेटे अभी बारी है, असल मनूवर की बारी आ चुकी है, और मैं देने जा रहा था लेकिन नहीं दे पाया। चलो कोई बात नहीं, 1 2 ब्रेक करा पिनफॉल, ब्रेक तो आपने भैया कर लिया, पिनफॉल मान लिया तो आपने ब्रेक किया, लेकिन अभी होने तो आप दोनों का कुछ नहीं होने वाला। फिर से जिमी उसो भाई, माय डॉग कमोरा देने लग गया, माय डॉग कमोरा एजी को देख के समझ रहा है अपने आप को ब्रॉक लेसनर। भाई ब्रॉक लेसनर वाली कोई बात नहीं तेरे अंदर, सही है ना? ब्रॉक लेसनर से को अपने आप से मिलाने का नहीं, ब्रॉक मेरा बहुत हार्ड फेवरेट सुपरस्टार है भाई। इधर लड़ाई हो जाएगी, आई लव यू मतलब जिमी उसो भी मुझे पसंद है, लेकिन टैग टीम के साथ, जे के साथ। अकेला जिमी मुझे नहीं लगता इतना दम होगा अकेले जिमी के अंदर, शायद इससे ज़्यादा बेस्ट सुपरस्टार बन गया वो, मेरी लिस्ट के टॉप पे आ जाए वो, लेकिन अभी तो अभी तक तो फिलहाल नहीं। भाई चेयर पता नहीं क्यों रेफरी फेंकी जा रहा है, मेरे को गंदे इरादे ला रहा है मेरे मन में, मेरे दिल में, कि भाई मार डालू इसको कुर्सी फक फक के। अभी चाहे जिमी का बुरकस निकल चुका है, जिमी सेज आई एम रियली सॉरी टू यू, बट ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। एक और 450 भाई, भाई जिमी का और कुछ बुरकस बुरकस निकालना है। ओ माय गॉड, भाई जिमी को और कुछ मारना मुरना है। एक और भाई, एक और टॉप से भाई, जिमी का भुरकस का भी भुरकस प्रो मैक्स निकल चुका है यार। जिमी अब खड़ा वड़ा हो नहीं रहा, आई थिंक सो मुझे सीना को ही एक फिनोमिनल फोरम दे के सीना को बुलाना चाहिए, देन सीना से इस मैच को, इसको ए दिला के ख़त्म करवाना चाहिए। आई थिंक सो नहीं लगा ये मनोवर ना, आई थिंक सो उसको नहीं लगा। नाउ इट्स टाइम फॉर द 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना टू कम बैक इनसाइड दिस रिंग। सीना टैग, हियर कम सीना, हियर कम द सीनेशन लीडर। ओ कटर दे के बहुत अपने आप को नवाब समझ रहे हो जिमी उस बेटा। चेयर पे एटीट्यूड एडजस्टमेंट, चेयर पे 2-2-1 खाने के बाद कैसा लग रहा है? हाँ सोलो सिकुआ भाई, सोलो को भी गिरा डाला मैंने। डीडीटी भाई, इतना ऊपर से कूद के सोलो तक को नहीं छोड़ा मैंने।
आ जाओ, हथियार लेके आना, हथियार लेके आओ मेरे भाई। भाई वाना ब्रेकर ही दे दिया मैंने इसको, इसके ऊपर ही। और मेरे पास फिनिशर आ चुका है, तुम समझ रहे हो, एटीट्यूड एडजस्टमेंट आ चुका है मेरे पास। और जिमी आपके एटीट्यूड को एडजस्ट करने का यही टाइम है, एटीट्यूड एडजस्टमेंट खाओ, एटीट्यूड एडजस्ट करवाओ। 1 2 3 सीन एंड स्टाइल विंस। तो गाइस ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।